Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सिंथेसिस का आज दूसरा भाग बता रहे हैं, पहला भाग हम बना दिए हैं। तो पहले भाग में हम बनाए हैं प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट पार्टिसिपल बताए हैं। आज हम बताएंगे परफेक्ट पार्टिसिपल। तो परफेक्ट पार्टिसिपल से एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, उसके क्या रूल हैं, और हम कैसे पहचानेंगे कि परफेक्ट पार्टिसिपल से हमको एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो पहले हम पहचान पाएंगे, कैसे हम पहचानेंगे उसके नियम क्या है। पहला नियम है दोनों वाक्यों का कर्ता समान हो। दूसरा क्या है, दोनों वाक्यों की क्रिया अलग अलग हो। तीसरा है एक कार्य पूरा होने पर ही दूसरा कार्य प्रारंभ हो। तो हम सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे। मान लीजिए जैसे दो वाक्य दिए गए हैं, उसको हमें बनाना है एक सिंपल सेंटेंस। तो एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे, कैसे हम जानेंगे कि ये परफेक्ट पार्टिसिपल से हमें एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। उसके क्या पहचान है, उसके पहचान का मतलब पहली बात तो दो वाक्य दिए रहेंगे, पर सबसे पहले हम देखेंगे क्या दोनों वाक्यों का कर्ता समान है, इन्हीं एक है। फिर देखेंगे क्या दोनों वाक्यों की जो क्रिया लिखी गई है, वर्ब लिखी गई है, क्या असमान है, यानी अलग अलग है। अगर ये दोनों शर्त पूरे होते हैं तो तीसरी शर्त क्या है, तीसरी शर्त है कि दोनों वाक्यों के कार्यों का अंतराल यानी जीरो ना हो, अर्थात यानी कि पहला कार्य पूरा होने पर ही दूसरा कार्य अगर हो रहा है तो हम समझ लेंगे कि इन दोनों वाक्यों को परफेक्ट पार्टिसिपल से जोड़कर हम एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। अब इसमें क्या है, चौथी बात यह है कि अगर जो कार्य पहले हो रहा है वो
अल्टीम वॉइस में है, यानी कि दो वाक्य दिए रहेंगे, दोनों वाक्यों को हम पढ़ेंगे, उसको देखेंगे किसमें सबसे पहला, यानी पहला कार्य कौन हो रहा है, सबसे पहला कार्य कौन सा हुआ। अगर वो एक्टिव वॉइस में है तो हम क्या करते हैं, हैविंग धन क्रिया की थर्ड कार से एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। पांचवा क्या है, मान लीजिए जो कार्य पहले हो रहा है वो पैसिव वॉइस में है, तब हैविंग बीन धन क्रिया की थर्ड फॉर्म से एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। मान लीजिए दो वाक्य दिए हैं, दो वाक्य दिए गए हैं, दोनों वाक्यों को जोड़कर हमें एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। और मान लीजिए परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज हो रहा है तो हम कैसे पहचानेंगे, पहली बात तो दोनों के कर्ता समान होने चाहिए। जिसे हम एक एग्जांपल से हम पहले समझ लेते हैं, पहला वाक्य है ही finished to his work। He माने उसने, finished माने समाप्त किया, to his work अपना कार्य, वह अपना कार्य समाप्त किया। He went to school, वह स्कूल गया। ही माने वह, went माने गया, to school माने स्कूल, वह स्कूल गया। He finished, to नहीं रहेगा, his work मतलब ही माने वह, finished माने समाप्त किया, his work अपना कार्य, वह अपना कार्य समाप्त किया। ही बेग टू स्कूल, वह स्कूल गया। तो अब इसको हमें बनाना है एक सिंपल सेंटेंस। तो एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे, मान लीजिए इन्हीं कैसे जानेंगे कि ये परफेक्ट पार्टिसिपल से जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनेगा। तो पहले तो इसके कुछ रूल है, कुछ नियम है, इसके तो पहले पहचान दे लीजिए
जैसे दो यानी दोनों वाक्यों का कर्ता समान हो, यानी जैसे पहले वाक्य का कर्ता ही है, दूसरे वाक्य में कर्ता क्या ही है, इसका मतलब दोनों वाक्यों का कर्ता समान है, पहली बात। और दूसरी शर्त क्या है कि दोनों वाक्यों की क्रिया अलग अलग हो, यानी कि अब पहले वाक्य की क्रिया क्या है, फिनिश डे है, और दूसरे वाक्य में क्रिया क्या है, बेंट है, यानी दोनों वाक्यों की क्रिया जो है वो अलग अलग है। दूसरी शर्त, तीसरी शर्त क्या है, एक कार्य पूरा होने पर ही दूसरा कार्य प्रारंभ हो। अब देखिए, ही फिनिश्ड, उसने या हुआ, फिनिश्ड माने समाप्त किया, हिज वर्क अपना कार्य, वह अपना कार्य समाप्त किया, वह अपना कार्य समाप्त, यानी कि अपना कार्य समाप्त करने के बाद मतलब समाप्त हो गया। ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया, इसका मतलब ये काम समाप्त होने के बाद ही वह स्कूल जा रहा है, ये नहीं है कि एक काम जारी रहा तभी वो चल दिया, ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब कि अब इसमें तीसरा रूल भी दिखाई दे रहा है कि मतलब ही फिनिश्ड ही वर्क, उसने वह अपना काम समाप्त किया, ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया, तो एक है मतलब तीसरा रूल भी कंप्लीट हो गया, तीसरा पहचान। अब यानी उसके बाद देखिए चौथा, यानी हमको क्या देखना है, जो कार्य पहले हो रहा है मतलब अब ये देखना है क्या वो एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है, अब ये देखना है। ही फिनिश्ड हिज वर्क, पहले उसने क्या किया, पहले उसने काम समाप्त किया। ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया, एक है मतलब पहले उसने काम समाप्त किया। तो ये जो वाक्य दिया गया है इसमें, पहला वाक्य जो इन्हीं जो सबसे पहले कार्य हो रहा है, क्या ये एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में, तो ये एक्टिव वॉइस में है। एक्टिव वॉइस का मतलब ये हुआ कि यहां मतलब कि इज आर एम वाज वेयर होता और उसके आगे क्रिया खड़भाग होता, इसमें इज आर एम वाज वेयर है नहीं, इसलिए ये एक्टिव वॉइस में है। अब हमें पता चल गया कि जो दो वाक्य हमको दिया गया है उसमें से जो सबसे पहले कार्य हो रहा है वो एक्टिव वॉइस में है। अब हम उसका यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे परफेक्ट पार्टिसिपल से जोड़कर कैसे एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे हैव बीन, जैसा कि हमने कहा देखिए जो कार्य पहले हो रहा है वो एक्टिव वॉइस है, यानी वो एक्टिव वॉइस में है, तब हैविंग धन क्रिया की थर्ड फॉर्म से, यानी हैविंग धन क्रिया थर्ड फॉर्म, और क्रिया यहां क्या है फिनिश्ड, थर्ड फॉर्म में है ही है। फिनिश्ड यानी पहले का ये हम कर्ता नहीं लिखेंगे, पहले का सब्जेक्ट नहीं लिखा जाएगा, हैविंग धन क्रिया का थर्ड फॉर्म, हिज वर्क कामा। अब यानी कि कामा लगाने के बाद दूसरा वाक्य हम जो करते हो उतार लेंगे, ही वेंट टू स्कूल, तो यानी इसका सिंपल सेंटेंस लीजिए, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, अपना काम समाप्त करने के बाद, ही माने हुआ, बेट माने गया, टू स्कूल माने स्कूल, वह स्कूल गया। तो चाहे इस तरह से कह दीजिए ही फिनिश्ड हिज वर्क, वह अपना कार्य किया, ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया, चाहे इसको कह दीजिए कि अपना काम समाप्त करने के बाद वह स्कूल गया, इस तरह से। यानी कहने का मतलब जैसे दो वाक्य अगर दिए गए हैं, दोनों वाक्य में हम पहले देखेंगे कि क्या दोनों वाक्य के कर्ता समान है, फिर देखेंगे क्या दोनों
वाक्यों की क्रिया अलग अलग है, फिर देखेंगे क्या एक काम समाप्त होने के बाद ही दूसरा कार्य पूरा होने हो रहा है। अगर ये तीनों शर्त अगर दिखाई देते हैं उसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल से जोड़कर हम एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, यही रूल है। फिर उसको पढ़ेंगे, हम देखेंगे जो कार्य पहले हो रहा है वो एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है। अगर एक्टिव वॉइस में है तो हैविंग अघन क्रिया के थर्ड फॉर्म से हम एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, लेकिन अगर वो पैसिव वॉइस में है, जो कार्य पहले हो रहा है वो पैसिव वॉइस में है, तो उसको हम क्या करते हैं, हैविंग बीन अघन क्रिया की थर्ड फॉर्म से एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। एक एग्जांपल हम और लेते हैं, जैसे मान लीजिए है ही बाथ, दूसरा वाक्य है ही वेंट, वह गया टू द टेम्पल, यानी ही बाद उसने स्नान किया। दूसरा है ही बेंट टू द टेम्पल, ही माने वह, बेंट माने गया टू द टेम्पल मंदिर, वह मंदिर को गया। अब इस दोनों वाक्यों को जोड़कर हमको एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। जैसा कि हमने कहा एक सिंपल सेंटेंस अगर हमें बनाना है तो कुल 8 प्रकार से बनते हैं, तो मतलब उन 8 प्रकार में से इन्हीं कौन सा प्रकार लगेगा। आप जैसे पहला हम पार्टिसिपल से एक सिंपल सेंटेंस बनाना बता रहे हैं, और उसमें यानी पार्टिसिपल में 3 प्रकार हैं। पहला प्रकार क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल से जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना, जो भाग एक में हम बताए हैं, अगर नहीं देखे हैं उसको देख लीजिएगा। और आज हम बता रहे हैं परफेक्ट पार्टिसिपल से जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। तो अब देखिए क्या इसमें जो है परफेक्ट पार्टिसिपल से जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनेगा, क्या ये रूल लगेगा इसमें, यानी कि हमें बनाना है सिंपल सेंटेंस, हमें एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो पहले तो हम देखेंगे क्या तीनों शर्त इसमें पूरे हैं। पहले देखिए जैसे पहले का कर्ता और दूसरे वाक्य का कर्ता ये बराबर होना चाहिए, इसमें कर्ता ही है दूसरे वाक्य का कर्ता भी ही है। और अब दोनों वाक्यों की क्रिया अलग अलग होनी चाहिए, जैसे पहले वाक्य की क्रिया क्या है बाथ, दूसरे वाक्य की क्रिया क्या है बेंट, तो दोनों वाक्यों की क्रिया अलग अलग है। तीसरा शर्त क्या है कि पहला कार्य पूरा होने पर ही दूसरा कार्य प्रारंभ होना चाहिए। तो ही बाथ उसने स्नान किया, मतलब कि अगर मंदिर जाना है तो एक मतलब पूरी तरह से स्नान किए हुए, पहले स्नान यानी पूरा स्नान करने के बाद ही मंदिर जाएंगे, इसका मतलब ये काम नहाने वाला काम होने के बाद ही जब पूरा हो जाए तभी तो मंदिर जाएंगे, इसका मतलब तीसरी शर्त भी पूरी है। तो अब तीसरी शर्त पूरी होने के बाद अब देखेंगे कौन सा कार्य पहले हो रहा है, वो एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में। ही बाथ उसने स्नान किया, ही बेंट टू द टेम्पल वह मंदिर को गया, कहने का मतलब यह है इसका मतलब नहाने का कार्य पहले हो रहा है, पहले उसने स्नान किया तब वो मंदिर गया, तो पहला कार्य यह हो रहा है। अब ये देखिए जो पहला कार्य हो रहा है ये एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है,
तो जो कार्य पहला यानी पहले हो रहा है वो एक्टिव वॉइस में है, जैसा कि हमने कहा कि ये सब्जेक्ट और ये जो वर्ब दिया गया है इसके बीच में अगर ई जा एम होता, उसके वाज बेयर होता, उसके आगे क्लियर थर्ड फॉर्म होता, तो समझ लेना चाहिए कि मतलब ये पैसिव वॉइस में है। तो ये किसमें है? एक्टिव वॉइस में। अगर मान लीजिए जैसे दो वाक्य दिए गए हैं, दो सेंटेंस दिए गए हैं, दोनों सेंटेंस में अगर ये तीनों नियम दिखाई देते, तीनों पहचान पहचान, और ये भी मालूम हो गया कि ये एक्टिव वॉइस में है, तो ऐसे वाक्यों को हम कैसे जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं? तो पहले लिखते हैं क्या, हैविंग, हैविंग लिखने के हैविंग अधन क्रिया थर्ड फॉर्म। अब क्रिया थर्ड फॉर्म क्या है? बाद। अब इतना लिखने के बाद फिर हम कामा लगाएंगे। अब कामा लगाने के बाद दूसरा वाक्य, जैसा कि हमने कहा पहले वाक्य के कर्ता नहीं लिखा जाता है क्योंकि यही कर्ता आगे दिया गया है, इसलिए पहले यानी पहले सेंटेंस जो कार्य पहले हो रहा है उसका कर्ता नहीं लिखते हैं, और दूसरा यानी कामा लगाने के बाद दूसरा वाक्य हम ज्यों का त्यों हम लिख देते हैं। बेग टू द टेम्पल, यानी कि स्नान करने के बाद वह मंदिर, चाहे कहिए कि वह स्नान किया वह मंदिर को गया, चाहे कह दीजिए स्नान करने के बाद वह मंदिर को गया। जैसा एक एग्जांपल है, जैसे राम रोट ये लेटर, राम माने राम, रोट माने लिखा, ये लेटर एक पत्र। दूसरा वाक्य है ही स्लिप्ड, वह सो गया। इन्हीं कहने का मतलब राम रोट ये लेटर, राम ने ये पत्र लिखा, ही स्लिप्ड वह सो गया। तो अब इसमें देखेंगे हम कि जो कार्य पहले हो रहा है, जिसे इसमें पहले पहचानेंगे कि मतलब कौन सा नियम लगेगा। अब अगर ये परफेक्ट पार्टिसिपल से जोड़कर अगर हमें एक सिंपल सेंटेंस बनाना है तो उसके पहचान पहले देखेंगे। अगर तीनों पहचान है कि दोनों के कर्ता समान होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात है कि दोनों वाक्यों की क्रिया अलग अलग होने चाहिए। तीसरी बात यह है कि एक काम समाप्त होने के बाद ही दूसरा कार्य प्रारंभ होना चाहिए। अगर ये तीनों, इसमें तीनों शर्त दिखाई देते हैं, जिस दोनों दो वाक्य में ये तीनों शर्त दिखाई दे, तो समझ लेना कि ऐसे दोनों वाक्यों को हम परफेक्ट पार्टिसिपल से जोड़कर हम एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे? सिंपल सेंटेंस हमको बनाना है तो अब देखेंगे कि इन दोनों वाक्यों में कौन सा, किस वाक्य में कार्य पहले हो रहा है। तो पहले कार्य हुआ, पहले राम ने एक पद लिखा तब वो सोया। जो कार्य पहले हो रहा है अब देखेंगे कि क्या वो एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है, इतना और देखेंगे हम। ही रोट ए लेटर, जैसा कि हमने कहा जो कार्य पहले हो रहा है उसमें ई जा रहे हैं, वाज बेयर नहीं है, इसका मतलब वो एक्टिव वॉइस में है। अगर एक्टिव वॉइस में है तो ऐसे वाक्यों को हम कैसे हम एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं? तो पहले हैविंग लिखेंगे, हैविंग, और फिर हैविंग धन क्रिया थर्ड फॉर्म, यहां रोक है तो यहां लिखेंगे हम रिटेन,
रिटन ए लेटर कॉमा। अगर मान लीजिए पहले वाक्य का कर्ता अगर नाउन है और वही जो पहले वाक्य का कर्ता वो नाउन के रूप में लिखा है उसी का दूसरा रूप यानी यहां प्रोनाउन के रूप में दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट लिखा गया है, इसका मतलब दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट को हम नहीं लिखेंगे बल्कि जो पहले वाक्य में नाउन लिखा गया है उसको लिखेंगे। राम स्लिप्ड। अब इसका मतलब चाहे कहिए राम रोट ए लेटर, राम ने एक पद लिखा ही स्लिप्ड वह सो गया, चाहे कह दीजिए एक पद लिखने के बाद राम स्लिप्ड राम सो गया। जैसे एक एग्जांपल हम और देते हैं, जैसे है सीता एक ही फूड, सीता ने अपना भोजन किया। अब दूसरे में क्या है कि सी वेंट टू स्कूल, वह स्कूल चली गई। यानी सीता माने सीता एक ही फूड अपना भोजन किया, सीता ने अपना भोजन किया और सी वेंट टू स्कूल वह स्कूल चली गई। तो अगर अब इन दोनों वाक्यों को जोड़कर हमें एक सिंपल सेंटेंस बनाना है तो हम कैसे जानेंगे कि इन दोनों वाक्यों को परफेक्ट पार्टिसिपल से ही जोड़कर हमें एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो उसके तीन पहचान है। पहली बात तो दोनों के सब्जेक्ट समान होने चाहिए, जैसे यहां सब्जेक्ट है सीता, यहां का सब्जेक्ट है सी, तो यानी कि उसने अपना भोजन किया यानी सीता ने अपना भोजन किया और वह स्कूल चली गई। तो यानी कि मतलब भोजन करने वाला और स्कूल जाने वाला एक ही व्यक्ति है, इसका मतलब यहां पर कर्ता समान है और यानी क्रिया अलग अलग होनी चाहिए। यहां क्रिया क्या है एक, यहां क्रिया क्या है बेंट, इसका मतलब दोनों वाक्यों की क्रिया भी अलग अलग है। लेकिन अब यह देखना है क्या एक कार्य पूरा होने पर ही दूसरा कार्य प्रारंभ हो रहा है। तो सीता ने अपना भोजन किया मतलब भोजन करने वाला काम पूरा किया तभी तो वो स्कूल गई, इसका मतलब कि एक काम पूरा होने पर ही दूसरा कार्य हो रहा है। तो इसको हम यानी एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे, यानी कि परफेक्ट पार्टिसिपल से जोड़कर हम एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। जैसे सिंपल सेंटेंस, अब ये देखना है कि कौन सा कार्य पहले हो रहा है, वो किस वॉइस में है। तो सीता एक ही फूड, अब इसमें देखिए, अब इसमें जो है इसमें क्या है इज आर एम वाज वेयर ये नहीं है, इसका मतलब ये एक्टिव वॉइस में है। अगर जो कार्य पहले हो रहा है अगर वो एक्टिव वॉइस में है तो उसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल से जोड़कर हम एक सिंपल सेंटेंस बनाते कैसे हैं, उसमें हम पहले हैविंग लिखते हैं, हैविंग लिखने के बाद जो क्रिया है उसको हम थर्ड फॉर्म में कर देते हैं ईटन, ईटन हिज फूड कॉमा। अब जैसा कहने का है कॉमा लगाने के बाद दूसरा वाक्य उतार देते हैं, लेकिन अगर पहले वाक्य में नाउन लिखा गया है तो हम दूसरे वाक्य के जब सब्जेक्ट लिखेंगे तो पहले वाक्य के नाउन को उतारेंगे सीता
went to school, यानी कि अपना भोजन खाने के बाद सीता went to school, सीता स्कूल गई। तो अब देखिए, जब वाक्य एक्टिव वॉइस में रहेगा तो उसको हम कैसे एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं वो हम बताएं, लेकिन देखिए जब पैसिव वॉइस में रहेगा तब उसको हम कैसे हम एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। जैसे पहला वाक्य है कि ही माने हुआ वाज पनिश्ड, बाई टीचर। दूसरा है ही फेल्ट सॉरी, यानी ही वाज पनिश्ड, वह दंडित किया गया बाय टीचर, अध्यापक के द्वारा, वह अध्यापक के द्वारा दंडित किया गया। ही फेल्ट सॉरी, वह दुख महसूस किया। यानी कहने का मतलब, अब इसको अगर हमें परफेक्ट पार्टिसिपल से जोड़कर अगर हमें एक सिंपल सेंटेंस बनाना है तो उसके तीन शर्त पूरे होने चाहिए। अब ये देखिए, क्या इन दोनों वाक्यों में क्या पार्टिसिपल से जोड़कर हम एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं? तो पहली बात, तो दोनों की कर्ता समान होने चाहिए, वो समान है, और यानी दोनों वाक्यों की क्रिया समान होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, है। फिर देखिए, क्या एक कार्य पूरा होने पर ही दूसरा कार्य हो रहा है? यानी हुआ अध्यापक के द्वारा दंडित किया गया, इसका मतलब कि पहले अध्यापक ने उसे दंडित किया, दंडित करने वाला काम पहले पूरा कर लिया, करने के बाद तब वो दुखी हुआ। तो इसलिए अब मतलब कि इसमें ये दिखाई दे रहा है कि इसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल से जोड़कर हम एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। लेकिन अब देखिए, जो कार्य पहले हो रहा है क्या वो पैसिव वॉइस में है या एक्टिव वॉइस में है? तो अब देखा, इज आर एन वाज बेयर हो और उसके आगे क्रिएट वर्ब लिखा गया हो तो हमें समझ लेना चाहिए कि वो पैसिव वॉइस में है। तो पैसिव वॉइस के केवल हम एक ही वाक्य बताएंगे, एक वाक्य से समझ लीजिए। अगर मान लीजिए जो कार्य पहले हो रहा है वो पैसिव वॉइस में है तो और उसे हमें बनाना है एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो एक सिंपल सेंटेंस अगर बनाना है तो हम बनाते कैसे हैं? पहले हैविंग लिखेंगे, फिर बीइंग लिखेंगे। हैविंग बीइंग लिखने के बाद मतलब कि अगर पैसिव वॉइस में है तो यानी कि उसका सब्जेक्ट और उसका हेल्पिंग वर्ब हम ये दोनों ही लिखेंगे, क्रिया थर्ड फॉर्म लिखेंगे। अब पैसिव वॉइस में है तो समझ लेना क्रिया जो है थर्ड फॉर्म में रहेगी ही, तो पनिश्ड थर्ड फॉर्म में है ही है, पनिश्ड बाय टीचर, बाय टीचर काम। अब दूसरा वाक्य लिखेंगे हम। अब देखिए, क्या दूसरे वाक्य में जो सब्जेक्ट ही लिखा है क्या ये ही यहां लिखा जाएगा? कि भाई कभी कभी यहां का सब्जेक्ट हम ले जाकर के लिखते हैं, तो यहां का सब्जेक्ट यहां ले जाकर के कब लिखेंगे? जब पहले वाक्य का कर्ता सब्जेक्ट यानी कि नाउन हो तभी लिखते हैं, लेकिन यहां पहले वाक्य का कर्ता जो है वो नाउन है नहीं, प्रोनाउन में ये भी है, प्रोनाउन ये भी है, ही, इसलिए हम इसी वाक्य को हम दूसरा वाक्य जो करते वैसे हम उतार देंगे। फिर सॉरी, तो चाहे कहिए ही वाज पनिश्ड बाय टीचर,
कि अध्यापक यानी वह अध्यापक के द्वारा दंडित किया गया अही फिर सारी वह उसे दुख महसूस हुआ वह दुखी हुआ या कह दीजिए कि हैविंग बीन पनिश्ड बाय टीचर अध्यापक के द्वारा दंडित करने के बाद ही फिर सारी वह दुखी हुआ। तो ये है अगर हमें पैसिव वॉइस में दिए हैं और उसको हमें एक सिंपल सेंटेंस बनाना है तो हैविंग बीन अदर क्रिएटिव फॉर्म से हम एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो आज हम परफेक्ट पार्टिसिपल हम बताए। परफेक्ट पार्टिसिपल में हमने क्या बताया उसके क्या पहचान है कैसे हम पहचानेंगे कि ये दोनों वाक्य जो है हम परफेक्ट पार्टिसिपल से जोड़कर हम बनाएंगे उसकी पहचान बता दिए और उसके दो रूल हैं कि जो कार्य पहले हो रहा है वो एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में है। अगर एक्टिव वॉइस में है तो उसके क्या नियम है अगर पैसिव वॉइस में है तो उसके क्या नियम है। तो ये हम इस पार्ट में हम बता दिए हैं। अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे पास्ट पार्टिसिपल से जोड़कर हम एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं। अगले वीडियो में हम फिर लेंगे। जय हिंद जय भारत।